सीधा पुलिस अथे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे हैं। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं इसके माध्यम से गौरवशाली इतिहास से जुड़ रहा हूं। इसके माध्यम से आज मैं एक बार फिर उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस कर रहा हूं, जिसके अलग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जैसे महान देशभक्तों ने जगाई थी। एनएसएस के इतिहास के बारे में अभी मेरे पूर्व वक्ता ने आप सबको बताया, इसे बनाने का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय मिशन से जोड़ा जाना चाहिए, सकारात्मक कार्यों के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने का कार्यक्रम, दूसरा नाम एनएसएस। एनएसएस आज पूरे 50 साल पूरे कर लिए, इन 50 वर्षों में हम देखें किस प्रकार से इन्होंने काम किया, जहां छात्र छात्राएं किसी एक गांव को चयन करके गांव की समस्या समझने का प्रयास करते हैं, वहीं गांव की व्यवस्था सुधारने में अपना सहयोग देते हैं श्रमदान के माध्यम से। राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक बार ऐसा समय आया कि एनएसएस ने उन मुद्दों को अपने हाथ में लिया। 1973 में जो अकाल पड़ा था, उस समय हमारे एनएसएस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 74 में गंदगी और रोग निदान के लिए, 75 में आर्थिक विकास और ग्रामीण नवनिर्माण, 85 से 93 तक साक्षरता, 91 से 92 तक एस के खिलाफ जागरूकता, 95 में सांप्रदायिक सद्भावना, 96 में वाटर सेफ प्रबंधन, ऐसे कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है। एक सकारात्मक सोच का ही परिणाम है जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर इन्हें से सामने आ रहे हैं। आदरणीय साथियों, आज जिस प्रकार से जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें कही जाती है, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए साथी सकारात्मक मुद्दों को लेकर, हमारे महापुरुषों के आदर्शों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो जो सकारात्मक काम करके सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का काम हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के साथियों ने किया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप इनिशिएटिव के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इस माध्यम से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। सेवा के माध्यम से ही, सेवा और समर्पण, त्याग और बलिदान से देश का निर्माण हो सकता है। कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट किसी को बदनाम करिए और आगे बढ़ जाइए, ये ध्येय लक्ष्य एनएसएस का नहीं हो सकता, और आप लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा देश विविध भाषा, विविध जाति संस्कृति से बना हुआ देश, अनेकता में एकता, और इसके लिए आवश्यक है हमारे बीच में समरसता हो, भाईचारा हो, प्रेम।
काम लगातार कर रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कुछ मांग हमारे उप शिक्षा मंत्री और सिंह साहब ने की है, मुझे खुशी है आप मांग नहीं भी करते तो ऊपर भी मैं घोषणा करने वाला हूँ। जीवन समर्पित होना चाहिए, एक अनुशासित और एक जिम्मेदार नागरिक।